लोहिया जिनके विचारों का समाजवादी पार्टी अनुकरण करती है, उन्हीं के नाम पर चलने वाली एक योजना में लूट खसोट हो रही है। यह आरोप लगा है एक विधायक जी पर। आरोप है कि लोहिया आवास के आवंटन को लेकर विधायक जी 50-50 हज़ार रुपए की डिमांड कर रहे हैं। सूबे में समाजवादी पार्टी के नेता गरीबों के हक पर डाका डालने से भी नहीं चूक रहे हैं। अब तो लोहिया के नाम पर चल रही योजनाओं में भी लूट खसोट शुरू हो गया है। लोहिया आवास पाने के लिए 50,000 तक रिश्वत की मांग हो रही है, और रिश्वत मांगने वाले कोई और नहीं, जनता के नुमाइंदे ही हैं, वो जो लोहिया को आदर्श मानते हैं, उनके विचारों का अनुकरण करते हैं। अब वही गरीबों के सिर पर एक छत देने के लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं। ताजा मामला बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा का है, जहां के सपा विधायक डॉक्टर सियाराम सागर पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोहिया आवास के नाम पर विधायक जी 50-50 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास देने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी संजय वर्मा, ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक विधायक जी का नाम लेकर 50-50 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। सेक्रेटरी जो है हमारे यहाँ के और ग्राम सेवक जी लोग मांग रहे हैं पैसा, 50,000 रुपया मांग रहे हैं। क्यों? विधायक जी मांग रहे हैं। हाँ, रोजगार सेवक और सेक्रेटरी कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, फिर कमरा हाँ लिखोगे लिख के काट दो पैसे की वजह से, कमरा ना दोगे। कमरा रोजगार सेवक और सेक्रेटरी मतलब कह रहे हैं ये विधायक जी 50,000 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, वजह वो कहते हैं कि हमें नीचे से ऊपर तक पैसे देना पड़ेंगे, विधायक को भी हिस्सा देना पड़ेगा। जब 50-60 हज़ार रुपए दोगे क्यों तो सेक्रेटरी और रोजगार सेवक तभी आपके कमरे मिलेंगे। कमरे आ रहे हैं गाँव में है, मगर देखो रोजगार सेवक है वो 50,000 रुपए मांग रहा है, और देखो प्रधान। वह इस मसले पर जब विधायक जी से बात करने की कोशिश की गई, तो विधायक जी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं ग्राम प्रधान भी इस मसले पर बोलने से बसती रही, लेकिन ग्राम प्रधान के पति ने तो आरोपों को ही खारिज कर दिया। इस समय मौजूद सपा विधायक हैं फरीदपुर के, उनसे शिकायत की कि आपके द्वारा पैसा मंगाया जा रहा है क्या, कि प्रधान और सेक्रेटरी और रोजगार सेवक ने मंगाए हैं 50-50 हज़ार रुपए, ये क्या है? वो हमारी नॉलेज में नहीं है, रोजगार सेवक या सेक्रेटरी के बारे में नहीं। आप तो ग्राम के प्रधान हैं, आपको तो सब भी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, हमें नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं। साफ है कैमरे पर सफाई देने से हर कोई बच रहा है, लेकिन इतना तो साफ कि लोहिया आवास के आवंटन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ छाला तो हुआ ही है, और इस मामले में विधायक जी का नाम आना समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस।